स्वागत है मेरे चैनल में। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। और आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ अलीपुर का जू, जो कोलकाता का भी जू है। ऐसे ही आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए वीडियो, जो बने रहिए, आगे देखते हैं। और चलिए अभी मैं आपको जू के अंदर लेके चलता हूँ। फिलहाल पहले टिकट कटवा लूँ, उसके बाद अंदर चलते हैं। और ये मैं पहुँच चुका हूँ जू। हमेशा की तरह यहाँ पे भीड़ आपको देखने मिलेगा। चलिए आगे। फिलहाल अभी जू का प्राइस 50 रुपीज पर हेड चल रहा है और ये मैं टिकट ले चुका हूँ। अब आगे चलते हैं। दोस्तों मैं अभी जूम के अंदर एंटर कर चुका हूँ और आप देख सकते हो यहाँ का अंदर का कुछ ग्रीनरी ऐसे कुछ है। और जैसे ही जू के अंदर घुसा, जू के सामने में पूरा आपको आवाज कुछ सुनाई दे रहा होगा, तो आप देख सकते हैं। अभी हम आपको दिखाते हैं तो क्या चीज है, जरा हु हु कर रहे हैं। क्या करता है रे तेरी तो 15 लोग है, भयानक टाइप सा लगता है। लोग की मम्मी लोग को छोड़ दी इसलिए थोड़ा थोड़ा रो रहा है। कोई ना दोस्तों, उन बंदरों को हुहा करने दो। आप आगे देखिए वीडियो में और भी दूसरा जानवर देखते हैं, आखिर आए ही हैं जानवर देखने के लिए। दोस्तों अभी जो आपको बर्ड दिख रहा है इसका मेरे को नाम तो नहीं पता और मैंने जल्दबाजी में इसका साइन बोर्ड भी नहीं देखा, तो अगर आपको इसका नाम पता हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दियो। अलीपुर जू ब्रिटिश लोग के लिए बनाया गया था और ये 1876 में बना हुआ था। अप्रॉक्स 46 एकड़ में ये जू फैला हुआ है। और कुछ दूर आगे चलते ही मुझे दिखाई दिया यशराज भाई, और सॉरी गजराज भाई। इनको जू का सबसे ज्यादा हिस्सा दिया गया था और यहाँ पे 2 हाथी रखे हुए थे। ये साइन बोर्ड देख के मुझे ऐसा लगा कि जानवर अडॉप्ट भी कर सकते हैं, पर यहाँ पे पेड़ पौधों की बात की गई है। और ये देखिए रंग बिरंगा मोर जो रिसेंटली अभी होली खेल के आया है। और पास ही में मैंने देखा सर पिक्सल से धोए हुए मोर। मजाक से हटके ये पक्षी का नाम पी फाउल है, जो कि लुप्त होने वाले हैं। कुछ दूर आगे जाते ही मेरे को लायन दिखा और जू वालों ने लायन के जगह में लायोनेस रखा है। यहाँ पे बहुत सारे पक्षी आती तो मेरे को सबके बारे में बताने से बहुत टाइम हो जाता, तो मैंने इनका नाम और फोटोज और वीडियोस का दिया हुआ है, तो आप एक बार देख लो। जू काफी बड़ा है तो कंटिन्यूसली घूमना ये तो बस की बात नहीं है, इसलिए मैं हर जगह थोड़ा थोड़ा रुक रुक के घूम रहा हूँ। और मैं जहाँ पर बैठा हूँ उसके ठीक सामने ही बहुत बड़ा झील है। कोई ना, अब आगे चलते हैं। तो अभी मैं आ चुका हूँ भेड़िया के केज के सामने। ये देखिए भेड़िया मस्त अपना घास में बैठ के धूप सेक रहा है। ये भेड़िया वेड़िया कुछ नहीं है, ये मोगली की मम्मी है। भेड़िया का भी मूड खराब, वो भी अपना चल दिया। ई देखिए दोस्तों, ई है लकड़ बग्घा जो अपना पिंजड़ा में मस्त बैठल है। रुकिए रुकिए, आपके लिए थोड़ा जूम कर देते हैं तब आपको अच्छा से दिखाई देगा। ये है बंगाल टाइगर उर्फ शेर खान। मैं खड़े होकर टाइगर देख ही रहा था कि पास में कोई इंसान बोलता है ये तो मोहम्मद टाइगर है। ओ अल्लाह दी ओ मची। ये देखिए, ये है हिप्पो का डाइट चार्ट, नींबू मिर्ची नमक हल्दी। हिप्पो दिखने से तो रहा पानी में पूरा डूबल था। और ये सामने आप देख सकते हो ये है जिराफ। तो आइए चलिए इससे पहले बात किया जाए। ओ जिराफ भाई, अभी क्या कर रहे हो? मेरा तो अभी गुड मॉर्निंग हुआ है इसलिए मैं नाश्ता कर रहा हूँ। अच्छा, तो आपके जमाने में कॉम्प्लेन का दाम सस्ता हुआ करता था। वो क्या बोलते है ना, पूरा कॉम्प्लेन कंपनी ही हमारा था। वाह, बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें। अच्छा, वो जो आ रही है उसका क्या नाम है? वो पगली का नाम टिमी है। ओते मम्मी ढोलू हमको क्या क्या बोल रहा है? क्या ढोलू, बदमाशी कर रहा है? भाई तुम लोग झगड़ते रहो, मैं तो चला आगे, मुझे और भी जानवर देखने हैं। ये छोटा छोटा जानवर लोग जानवर देखने हैं।
और इस केज में वाइट टाइगर रखा हुआ है। ड्यू टू सम गंदगी आपको दिखाई नहीं देगा शायद। और कुछ दूर आगे चलते ही हमें दिखाई दिया शेर की मासी, म्याऊ मासी, जो कर रही थी बहुत बदमाशी। और सामने मिला हमें जैगवार, जो कि कार का लोगो बन बन के थक चुका था इसलिए आराम कर रहा है। कोई ना दोस्तों, इसे आराम करने देते हैं और हम आगे चलते हैं। और आगे जाते ही मुझे मिला राइनो, गर्मी से उसका भी हालत खराब था, पूरा पानी में डूबा हुआ था वो भी। और जो आप सामने देख पा रहे हो ये है आउल वाला रूम। अंदर में पूरा अंधकार था और अंदर में वीडियोग्राफी अलाउड नहीं था। इसमें ऐसा एनिमल्स को रखा गया था जिनको रोशनी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ज़ू काफ़ी बड़ा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पे कुछ गांव ही बस जाए, एक बहुत बड़ा। और अभी जो सेक्शन में मैं आया हूँ ये है रिपेल सेक्शन। यहाँ पे एनाकोंडा रखा हुआ था और इससे के ठीक पास में ही रॉक पाइथन रखा हुआ था। यहाँ पे काफ़ी सारे रिप्टाइल्स थे जिनका मैंने वीडियोस नहीं बनाया, अगर आप कभी आते हो तो एक बार विजिट करके देख लेना ये सब। ये जो जू का मैप आप देख पा रहे हो ये जू के हर एक कोने में रखा हुआ है, जिसको आप देख के पता लगा सकते हो कि आप अभी कहाँ पर हो। और ये रहा मगरमच्छ जिनके आंसू भी नकली होते हैं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? जू फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मैं बोलूंगा बहुत बेस्ट जगह है। और आगे चलते ही मुझे दिखाई दिए यहाँ पे बहुत सारे गजल और डियर रखे हुए थे। जू में सलमान आने वाला है। ए भाई मत डराओ हमें, ऐसा किडनी में हार्ट अटैक आ जाएगा। और पास ही में मैंने देखा पूरे कबूतर लोग मिलके एक डियर को नहला रहे थे। वाओ ब्यूटीफुल। ये रहा एक जायंट टर्टल जो कि अपना चेहरा छुपाए हुए बैठा हुआ था। अभी मैं आ चुका हूँ ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे। और भाई लोग क्या कर रहे हो? कुछ नहीं भैया, पास में एक पगल चट्टी एक रील बना रही है, वही देख रहे हैं। कौन से गाने पे? आप ही देख लो। इनको छोड़ो, इनके अलग ही मजे चल रहे हैं। और मैं आ गया भालू देखने। भाई इनका अलग ही सीन चल रहा था। लेकिन एक सेकेंड, ए तुम हमको चिकला कैसे बोल दिया रे? चिकला को चिकला नहीं बोले तो क्या बोले? ये ले उले तू खा के ले। छोड़ो इनको। और यहाँ हमारे चिंपांजी भैया इधर से उधर हो रहे हैं। मर खाई करे तुम, ठीक है ना? गुस्सा का हो रहा है, हम जा रहे हैं ना। डू नॉट माइंड गाइस, ऐसा छोटा मोटा नोकझोंक होते रहता है, आप वीडियो में आगे देखते रहिए। अरे छोटू भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे नहीं नहीं ये तो कोई और है। सॉरी सॉरी सॉरी। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो मेरा पसंद आया हो। और देखते रहिए रिपोर्टर आयुब के साथ कैमरामैन तिरक।